हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं एनपीपी अनोनमिक्स ज्ञान चैनल। तो दोस्तों, सभी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इंट्रो वीडियो डाल करके, जो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हारमोनियम या पियानो का, आज हम पहला लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में आज ये वाली जो वीडियो है इसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या क्या चीज बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज मैंने, अगर आपको सच में अगर सीखना है तो आप ये पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या थोड़ा एडवांस पे हो या बिल्कुल नहीं आता है। तो बिल्कुल मैं जीरो से इसमें बताने वाला हूं क्योंकि कुछ लोग होंगे कि भाई ये तो मुझे पता है, कुछ कहेंगे। तो इस वीडियो में कुछ नई चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं मैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जो है किस चीज पे सीखेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारे पास तो कीबोर्ड नहीं है, हमारे पास हारमोनियम नहीं, हमारे पास या कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं हारमोनियम पियानो, तो आपके पास या तो हारमोनियम हो या आपके पास कोई भी इस तरह का कीबोर्ड हो, ठीक है दोस्तों। या जैसे कुछ दोस्तों ने मुझसे ये भी कहा कि सर क्या हम मोबाइल पे सीख सकते हैं। देखो दोस्तों, सीख तो सकते हैं मोबाइल पे, लेकिन मोबाइल पे आपको बेसिक मतलब जो सुर का ज्ञान है वो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास हारमोनियम हो या आपके पास कीबोर्ड हो तो मोबाइल पे आप ना सीखें, क्योंकि मोबाइल पे भी मतलब आप रट के सीख सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि मोबाइल पे सीखें आप, ठीक है दोस्तों। तो आप, मैंने एक वीडियो बनाई, अगर आपका इतना बजट नहीं है तो 600 रुपए से लेकर के 7000 तक के मैंने बीच के कीबोर्ड बताए हैं, तो अपने हिसाब से आप अपना ले सकते हैं। तो आप सीखने के लिए वो ले सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, ऊपर ये वाली वीडियो आ रही है, जाकर के ऊपर आई बटन में भी लिंक आया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए कीबोर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं, कुछ दोस्तों का कहना है कि हम जो है कितने दिन में हारमोनियम या पियानो सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको इसमें कितना इंटरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आप जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे इतनी जल्दी आप इसमें सीख पाएंगे। कोई भी आपको सजेस्ट मतलब बिल्कुल एक करेक्ट टाइम आपको एग्जिस्ट टाइम नहीं बता सकता है कि आप इतने समय में सीख सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि वैसे आपको केवल प्रैक्टिस से आती है और आपकी जो सोच है और जो आपकी थिंकिंग उससे आपको आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, अगर बीच में कुछ छूट जाता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड या हारमोनियम या सारी चीज आपके दिमाग में आती होंगी, भाई ये ऑर्गन क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पियानो कीबोर्ड, कुछ कहते हैं हारमोनियम, कुछ कहते हैं ऑर्गन। तो दोस्तों, जो ये कीबोर्ड होते हैं, ये दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। हारमोनियम तो आपको पता ही है, हारमोनियम क्या होता है, जिसमें हवा भर के और उसको हम प्ले करते हैं, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ मतलब कुछ नहीं होता है, वो लाइट वगैरह से नहीं चलता है, वो केवल हवा से चलता है। अब बात करते हैं वाले कीबोर्ड की। तो दोस्तों, ये दो तरह के कीबोर्ड होते हैं, एक होते हैं अरेंजर कीबोर्ड जिनके अंदर स्पीकर इनबिल्ड होते हैं। ये जो कीबोर्ड है अरेंजर कीबोर्ड है, इसमें स्पीकर इनबिल्ड है। तो दोस्तों, एक होता है सिंसेथाइजर कीबोर्ड, एक होता है अरेंजर कीबोर्ड, जो कि अरेंजर कीबोर्ड में स्पीकर इनबिल्ड होते हैं और जो सिंसेथाइजर कीबोर्ड है उसमें जो है आपके स्पीकर नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है मोबाइल पियानो तो आपको पता ही है, वो तो आप सिंपल है। अब बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, बेसिक जानना इसका जरूरी है, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा आप सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं, ये जो कीज है आपको इसमें बहुत सारी जो कीज दिख रही है, तो ये कैसे होते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टिव या बोलते हैं सप्तक। अब दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में छूट सकती हैं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कवर हो रहा होगा, इतना दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसी तरह से सेट किया है, इतना तो आपको वैसे दिख रहा होगा। ये यहां से लेके यहां से देखो, हारमोनियम के अंदर भी तीन ऑक्टिव होते हैं जिनकी हम बात करने वाले। तीन ऑक्टिव कौन कौन से होते हैं, जो ये वाला होता है हमारा एक ऑक्टिव, दो ऑक्टिव और ये तीन ऑक्टिव। किसी भी हारमोनियम में ले लीजिए, किसी भी हारमोनियम में तीन ही ऑक्टिव होते हैं, लेकिन जो पियानो होते हैं या कीबोर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, उसमें पांच ऑक्टिव होते हैं, किसी में सात भी होते हैं, इस तरह से आठ भी होते हैं। तो जो हारमोनियम होता है जिसमें हम सीखते हैं उसमें तीन ही ऑक्टिव होते हैं। एक तो होता है, इसको बोलते हैं मंद सप्तक, ऑक्टिव को हम सप्तक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंद सप्तक, इसको बोलते हैं मध्य सप्तक और इसको बोलते हैं तार सप्तक। अभी क्या होता है, ये हमारा हो गया लोअर ऑक्टिव, ये हो गया मिडल ऑक्टिव, ये हो गया हायर ऑक्टिव। तो दोस्तों, ऑक्टिव या सप्तक होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि म्यूजिक जो होता है, आपको पता होगा कि इसमें स्वर कितने होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें आठ स्वर होते हैं, कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा जोड़ देते हैं। कुछ कहते हैं नौ होते हैं, कुछ कहते हैं बारह होते हैं। तो दोस्तों, जो शुद्ध स्वर होते हैं वो सात शुद्ध इसमें स्वर होते हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। टोटल इसमें जो होते हैं 12 स्वर होते हैं, लेकिन जो शुद्ध स्वर होते हैं वो सात स्वर होते हैं, पांच जैसे आपको इसमें ऑक्टिव में दिख रहा होता है। अब ऑक्टिव का क्या काम क्या होता है, कुछ लोगों का कहना होता है सर इस वाले ऑक्टिव से कैसे बजेगा, इससे कैसे बजेगा, तो कुछ नहीं होता है। इसकी आवाज जो होती है बहुत मोटी आवाज होती है, मतलब जो बिल्कुल नीचे गा रहा होता है, मतलब बहुत ही, तो वो ये होता है मंद सप्तक। जो मीडियम हम किसी मीडियम स्केल पे गाते हैं तो बीच से बजता है, और हाई स्केल में गा रहा है मतलब उच्च मतलब ऊपर वाली पिच में गा रहा है, तो हम ये वाला स्केल का यूज करते हैं, मतलब वो इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इसमें सात स्वर जो होते हैं वो सात स्वर होते हैं शुद्ध, और पांच होते हैं इसमें
चार आपके होते हैं कोमल, एक होता है आपका तीव्र। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संगीत में सात स्वर जो होते हैं सरल यानी कि शुद्ध होते हैं, ठीक है। और जो संगीत में कुल स्वर की संख्या जो होती है वो 12 होती है, ठीक है दोस्तों। जिसमें शुद्ध जो स्वर होते हैं वो सात होते हैं, सात कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। अब कोमल स्वर की बात कर लेते हैं, चार कोमल स्वर होते हैं रे गा धा नी, ठीक है। और जो तीव्र स्वर होता है वो तीव्र एक होता है मा, तो ये आपके हो गए सात, ये हो गए चार, और टोटल मिला के सात चार ग्यारह और एक बारह, तो ये आपके 12 स्वर हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टिव की, आपको यहां से लिख लीजिए, यहां पे चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपको एक ऑक्टिव में 12 ही स्वर होते हैं, कैसे, जैसे यहां से लेकर के एक ऑक्टिव लगा लीजिए, यानी कि कहीं से भी हम यहां से लेकर के चलेंगे, अभी बीच वाला ले रहे हैं। अभी हम देखो क्या होता है, ऑक्टिव की पहचान कैसे होती है, ऊपर दो की फिर तीन की, दो की तीन की, इसी तरह से बार बार रिपीट होती रहती है, दो की दो तीन दो तीन, इस तरह से। तो यहां से हमारा एक ऑक्टिव शुरू होता है, यहां से कैसे की शुरू करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अब देखिए हमने यहां से काउंट किया था पिछला, तो यहां से यहां तक जितने की पांच ये और ये वाली की, ये टोटल मिला के कितनी हो रही है, ये नीचे वाली तो सात हो गई, ये हो गई हमारी, ऊपर वाली हो गई, तो ये हो गई पांच, यानी टोटल मिला के बारह, यानी कि एक ऑक्टिव में 12 हमारे जो होते हैं स्वर होते हैं, जिसमें कि सात हमारे शुद्ध होते हैं, चार कोमल होते हैं और एक तीव्र होता है। तो दोस्तों इसी तरह से बात कर लेते हैं, ऑक्टिव यही होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपको थ्योरिकल बताया है ऑक्टिव जो है मतलब हमारे जो स्वर होते हैं कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे देखेंगे, अभी हम फिलहाल यहां से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहां से काउंट कर रहे हैं, इसमें यहां से हम जो है इसको सा मान लिया हमने दोस्तों। अब आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूज होना है कि यहां से सा बन सकते हैं, यहां भी बन सकता है, इसमें जितनी भी की है हर की एक सा है, यहां से जैसे मान लिया एक ऑक्टिव है, ठीक है। तो ये ऑक्टिव जाकर के यहीं पे खत्म होता है, मतलब जैसे हमने यहां शुरू किया तो यहीं पे खत्म हो, कैसे, सारे गामा पा धानी, फिर से सा जाता है सारे गामा। तो जितना आप नीचे जाएंगे यहां से फिर से सा आ जाता है, इस तरह से जो है एक ही हो गई। तो इसी तरह से अगर यहां से भी, तो हर किसी में जो है अलग हर किसी से सा बजा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम समझ लेते हैं शुद्ध कौन से होते हैं, कोमल और तीव्र कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले जो बटन है अभी हम इसको सा मानते हैं, ठीक है यहां से। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो कि जो इसकी काउंटिंग है वो कैसे करते हैं, क्योंकि ये सीरीज जैसे मैंने आपको बता के दिखाया है, अब हम जो है एक साथ प्ले करेंगे, इसमें से हम छांटना है कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों अगर हम की काउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए अगर हम की काउंटिंग करें तो ऐसे काउंटिंग करते हैं, एक दो तीन चार पांच, ऐसे काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के लिए क्या होता है, सपोज अगर मैं यहां से काउंटिंग कर रहा हूं, तो काउंटिंग करने के लिए हम ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो वही मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझ लीजिए इस चीज को, इसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है ऐसे चलते हैं, फिर से आ जाता है। तो ये जो है ना सेम की बार बार रिपीट होती रहती है, बारह की बारह, फिर रिपीट, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम देख लेते हैं, तो फिलहाल मैं अगर यहां से काउंटिंग करूंगा तो कैसे कैसे काउंटिंग करूंगा, यहां से अगर करनी है तो एक, पीछे को नहीं करूंगा ना मैं, तो पीछे चला गया ना, तो आगे को करूंगा ना, जैसे ये है कि, तो यहां से मैं काउंटिंग करूंगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, यहां तक होगी ना ऐसे। तो वही चीज है, तो ये पहला वाला जो बटन है यहां से हम भी इसको सा मान रहे हैं, तो ये होगा सा यहां पे, ठीक है। तो ये होगा हमारा सा। तो दोस्तों ये होगा हमारा सा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कोमल रे, मैंने लिख दिया है इस तरीके से, राउंड राउंड कर दिया, जो राउंड राउंड है कोमल है, ये एक तीव्र है। तो सा पहले यानी कि सा, शुद्ध सा, जिस पे ये सर्कल नहीं है वो शुद्ध है, जिस पे सर्कल है वो कोमल है, और ये वाला तीव्र ऊपर लिखा हुआ भी है, ये शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध सा दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर कौन सा है, ये तो कोमल रे। उसके बाद फिर तीसरे नंबर कौन सा है, ये काउंटिंग जो बताई मैंने इसलिए आपको बताई जिससे आपको समझ सके, ठीक है। तो शुद्ध शुद्ध सा, कोमल रे तीसरा नंबर, शुद्ध रे चौथा नंबर, कोमल गा पांचवा नंबर, शुद्ध गा छठा नंबर, शुद्ध मा सातवां नंबर, तीव्र मा आठवां नंबर,
पा। अब देखेंगे दोस्तों ये पा जो होता है ना, ये पा ना ही शुद्ध होता है, ना ही कोमल होता है, ना ही तीव्र होता है, ये अचल होता है। ये जो पा होता है ना ये अचल होता है, ठीक है, ना ये शुद्ध होगा, ना ही कोमल होगा, ना ही तीव्र होगा, बस ये अचल होता है पा, ठीक है। तो कौन से आठवें नंबर पे क्या है, सातवें पे था हमारा तीव्र मा, आठवें पे पा, नवे पे कोमल धा, दसवें पे शुद्ध धा, ग्यारहवें पे कोमल नी और बारहवें पे शुद्ध नी। तो आपको ये सीरीज अच्छे से याद कर ली, ये सीधे ये जो सीरीज मैंने बताई ये रट लेनी है कि पहले नंबर पे होता है शा, दूसरे नंबर पे कोमल रे, तीसरे नंबर पे शुद्ध रे, चौथे नंबर पे कोमल गा, पांचवें नंबर पे शुद्ध गा, इस तरीके से आपको रट लेना, आपको समझ आना। जब तक ये सीरीज आपको याद नहीं होगी तब तक आप म्यूजिक नहीं सीख सकते, ठीक है दोस्तों। ये वाली सीरीज आपको याद रखनी है। तो यही जैसे मैंने यहां से अप्लाई किया था अभी, अगर मुझे जैसे आप यहां से तो पता लग गया, क्योंकि आगे आप अगर मैं सभी चीज यहां से बता दूं ना आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने क्यों बताया, ये वाली चीज आपको बहुत जरूरी है। अगर सपोज यार यहां से आपको ये बजाना है सरगम प्ले, तो वही चीज यहां से आप कैसे ढूंढेंगे, तो काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताई थी पहले, तो काउंटिंग कैसे करेंगे, एक दो तीन, इस तरीके से करेंगे ना। अगर यहां से करेंगे तो काउंटिंग एक एक दो तीन, अगर यहां से करेंगे तो यहां से करेंगे तो एक दो, यहाँ के आगे को नहीं चलेंगे, ऊपर को, मैंने क्या बताया था ऊपर नीचे काउंटिंग होती है। तो ये मेन चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर यहां से आपको कोमल सब चीज ढूंढनी है तो ये करना पड़ेगा, पहले नंबर पे सा, दूसरे नंबर पे कोमल रे, तीसरे नंबर पे शुद्ध रे, चौथे नंबर पे कोमल गा, पांचवें नंबर पे शुद्ध गा, छठे नंबर पे शुद्ध मा, सातवें नंबर पे तीव्र मा। तो ये सीरीज है, ये सीरीज आपको अच्छे से याद करनी है। जब तक ये याद नहीं करेंगे आप तो आपको मतलब समझ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको जो है इसमें प्रैक्टिस करनी है। हम केवल पहले शुद्ध जो हमारे शुद्ध स्वर हैं केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। जो शुद्ध स्वर मैंने कौन कौन से बताया आपको बता दिया होगा। तो शुद्ध स्वर जो है हमारे यहां से हम शुरू कर रहे हैं, सा तरह से आपको पहले प्रैक्टिस करनी है इस पे, जो कि सारे काम की, और इसमें आपको साथ साथ बोलना भी है। जैसे आप यहाँ पे इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका स्वर जो थोड़ा लग जाएगा, जैसे मैंने अभी प्रेस करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ प्रेस करके रखा हुआ है ना अभी दोस्तों। तो जैसे मैं अभी फिलहाल आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मतलब आपको मैच करना है इस तरह से बोल के। मैं जैसे ये पीछे यहाँ पे यार मैं कुछ अलग गा रहा हूँ, जैसे तो आवाज में मैच नहीं कर रही है आपकी, तो इससे बिल्कुल आपको मैच करानी, जिससे कि आपको सुर की समझ हो, जिससे आपको माइंड में सेट हो जाए कि कौन सी की हमारी माइंड में चल रही है। क्योंकि जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब से नहीं आएगा। तो पहला जो बेसिक यही होता है कि पहले सरगम हम प्ले करना सीखते हैं, और जो हमारे स्वर के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम जो है पहले ये वाला है हमसे कर रहे हैं, तो आपको प्ले करने मतलब की के साथ जैसे आप प्रेस कर रहे हैं उसके साथ आपको प्ले भी करना है, मतलब जैसे आपको बोलना है, जैसे आपको पता नहीं लग पा रहा है कैसे कौन सा सुर है, सा 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 सा, तो देखो आ रहा है, देखो आपको बोलना भी है सा, उसके बाद रे रे, फिर गा, बिल्कुल आप अपनी आवाज और इसकी आवाज बिल्कुल मैच करनी एकदम से भी एकदम, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे पूरा, जैसे सा, आप इसको यहां तक ले सकते हैं, शुद्ध जो होते हैं सात स्वर होते हैं, लेकिन आप एक स्वर इसमें और ज्यादा ले लेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले पार्ट में केवल इतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा आपको बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, और ज्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे, आपको आप थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे इस चीज में। तो पहले केवल यही सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको पहले सरगम प्ले कर लेनी है किसी एक बटन को, यहाँ पहले काले को लेकर के। उसके बाद बहुत सारी आगे वीडियोज बनाने वाला हूँ, मेजर माइनर कोड सब पूरा पूरा सिखाने वाला हूँ मैं, राग थाट सब चीज बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है सारे गामा की, ठीक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको आगे मैं आप बताने वाला हूँ अलंकार वगैरह सारे आपके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं थोड़ा अलग टाइप से सिखाने वाला हूँ जिस तरह से मैंने सीखा था, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।